guys, this is Elfida. अभी तो मैं फिरोजपुर रोड पे हो रहा हूँ, मॉडल टाउन से निकला हूँ मैं। कैमरे में थोड़ा मसला आ गया था तो बैटरी निकाल के दोबारा किया, तो इसलिए इनिशियली मॉडल टाउन की वीडियो नहीं बन सकी। पर अभी इधर मैं फिरोजपुर रोड पे हो गया हूँ और इधर से मैं DH जाऊँगा। पीछे लाइट म्यूजिक मैं लगा देता हूँ ताकि बोरिंग ना हो। तो ये सीन है, अभी म्यूजिक मैं देख लेता हूँ, भी लगा देता हूँ यहाँ पे। वैसे मेरा दिल कह रहा है मैं सुकून ही करूँ, बल्कि म्यूजिक रहने दो, नेचुरल साउंड ही चलने दो। मॉडल टाउन की तरफ राइट साइड पे अगर चला जाता तो मॉडल टाउन चला जाता। अब ये ऊपर ही है तो ये सीधा कैंची पीको रोड, लेकिन मैं जाऊंगा वार्डन रोड पे, वार्डन रोड से टर्न लूंगा और फिर जो है DH की तरफ मुड़ जाऊंगा आगे से। ट्रैफिक इसलिए आज नहीं है क्योंकि एक तो स्कूल बंद है, ऊपर से ऑफिस का टाइम थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होते हैं, तो इस टाइम तक जिन्होंने पहुंचना होता है ना वो पहुंच चुके होते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये नया अंडरपास इन्होंने बनाया है, गुलाब देवी वाला जो अंडरपास था, ये अब अगर थोड़ी सी व्यू नज़र आता सही। ओके, ये है जी नया आपका अंडरपास, जिसकी वजह से बड़ा सुकून हुआ है, नहीं तो इस सिग्नल पे बंदा फंसा रहता था बड़ी बड़ी देर। इसका नाम अब्दुल सत्तार इत्ती अंडरपास रख दिया, अब हर चीज़ का नाम ही अब्दुल सत्तार इत्ती रख दिया इन्होंने, समझ नहीं लगती कि बंदा क्या करे, बंदा किसी को बताए कौन सा अंडर पास समझेगा। खैर, आरफा क्रीम टावर आ गया सामने, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ गया लेफ्ट साइड पे। इधर से हम सीधे ही जाएंगे, ये वाला जो ब्रिज है ये भी एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है। ये बड़ा चॉकिंग पॉइंट है, पीक आवर्स में इस ब्रिज पे चढ़ने के लिए बंदा फंसा रहता है, तो ये सीन है, इसको ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो होपफुली ये 1-2 महीने अभी लग जाएंगे मेरे ख्याल से इसको। ऐसा है कि ये भी खुला डुला हो जाएगा, पर ट्रैफिक मुझे लगता है पीक आवर पे रहेगी। चलो एटलीस्ट आगे पीछे तो सही हो जाएगा ना। बड़ा काला है वैगन आर का,
ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਜੀ चार लेन हो जाएंगी, पहले दो ढाई लेन तकरीबन थी इस ब्रिज की, तो ये प्रॉपर तीन लेन वाला, तीन या चार लेन वाला बन जाएगा ब्रिज, या साढ़े चार वाला बन जाएगा। बहरहाल इधर से मैं वॉल्टन रोड पे हो जाऊंगा, आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बोल्टन रोड। ओह शिट, तो अभी इस लड़की ने नीचे आया ना, ये बोल्टन रोड स्टार्ट हो गया है। अब मैं किसी तरह इधर से बच के ना फास्ट लेन में हो जाऊं, क्योंकि वो एक फास्ट लेन ही बचती है हमारे पास गाड़ी वालों के पास, बाकी तो रक्षा मजे में चला रहा होगा, मोटरसाइकिल वाले होंगे। पता इसके पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये अपना मजे में जा रहा है। जब मैं बाइक चलाया करता था मेरे दोनों शीशे होते थे लेफ्ट और राइट साइड, दोनों शीशे, मैं साथ नजर डालता रहता था कि मेरे पीछे कौन आ रहा है भाई, कोई कोई गाड़ी वाला ऊपर तो नहीं चढ़ा हुआ मेरे, या किसी को रास्ता तो नहीं चाहिए, मैं उसको साइड पे हो जाऊँ अपनी लाइन पे। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। फिर हेलमेट मेरा होता था टॉप नॉच स्टड्स का मैंने लिया हुआ था, और वो सही हेलमेट जो होते हैं ना वो था। ये सीन है कि आपने अपने आप को खुद बचाना है, तो सबसे पहला जब आप गिरते हो बाइक से तो खोपड़ी आपकी जो है ना वो होती है, अगर वो गई तो हड्डी उड्डी जुड़ जाती है, चलो हड्डी टूट भी जाए तो आप जिंदा तो रहते हो ना एटलीस्ट, पर अगर आपका टिंड गई खोपड़ी गई तो बस फिर बंदा या तो कोमे में जाता है या फिर डेथ होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका है ना बाइक पर, मुझे पता है, मैं ही पहले नहीं पहनता था, पर जब मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार हेलमेट अच्छा लो। ये जो हेलमेट लोग पहन के फिर रहे हैं ये तो ज़मीन पे गिरे टूट जाता है, ये तो इसने क्या बचाना है, बल्कि ये ज़्यादा ख़तरनाक हेलमेट है। ये जो है आपके अपने अंदर ही खुब जाए प्लास्टिक, क्या पता लगता है आपको, तो प्लास्टिक आपके अंदर चला जाए गिरने पर पहले इम्पैक्ट पर, बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब वैसे ये हम डी एच ए में एंटर हो गए हैं, डबल एक्स सेक्टर है ये, राइट साइड पे आपका सारा कमर्शियल चल रहा है, तो बस अपने आप को खुद बचाना है। पाकिस्तान में गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को खुद बचाना है, बाइक वाले ने अपनी जान खुद बचानी है, हड्डी पसली कुछ भी टूट सकता है आपका, कोई पता नहीं होता। अपने शीशे शीशे सज्जे खब्बे देखो फिर टर्न करो, बाकी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह बचाए, क्योंकि पाकिस्तान चाली फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के भरोसे कोई बैकअप नहीं है।
करनी चाहिए कि अल्लाह बचाए आपकी गाड़ी को भी और आपकी जान को भी। यहाँ बड़े गलत तरीके से लोग चलाते हैं बाइक गाड़ी जो भी, और अन्य वाजा। और ये नहीं है कि इतनी बड़ी स्पीडिंग कर रहे हैं ये वो, दरअसल उनको पता ही नहीं होता। और हॉर्न का खुला इस्तेमाल करें थोड़ा, बाइक वालों के लिए खास तौर पर, बाइक वाला, साइकिल वाला, पैदल चलने वाला, क्योंकि ये बाइक वाले तो खास है तुस मारेंगे, वो घुसेंगे बीच में। तो ये सीन है कि हॉर्न शॉन दे के उनको, क्योंकि उन्होंने तो पीछे उनको नजर ही नहीं आ रहा क्या है या लेफ्ट साइड पे क्या आने लगा उनके पास, उनको पता ही नहीं है। तो उनको सिर्फ कान ही उनके काम कर रहे होते हैं, कहीं तो वो भी नहीं सुनते। तो जब पास करने लगे तो एक हल्का सा यूं हॉर्न दे दिया उनको, ताकि अलर्ट हो जाए कि हाँ जी सज्जे खब्बे पास कोई गड्डी आ रही है या कोई बंदा आ रहा है, लंघन लगे थानू। तो ये सीन्स हैं पाकिस्तानी ट्रैफिक के। ये इसी कट पे मेरा जो है ना अक्सर बाइक वाला ना अन्नेवा आ रहे होते हैं और कोई ना कोई बीच में लगने की कोशिश करता है। ये एक छोटा सा ब्लॉग था, बाइक जो है वो बाइक पे मैं नहीं बना रहा, हालांकि मेरा मोटो ब्लॉगिंग था शुरू से ही, पर ये सीन है कि अब बना लेता हूँ। वैसे तो मैंने छोड़े हुए थे, अब गाड़ी में जो है वो आते जाते कहीं बना लेता बंदा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया यार, अब तो बंदा डेडिकेटेडली जा भी नहीं सकता। मैं तो पता है उस टाइम पे 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के निकल जाया करता होता बाइक पे, पर अब तो हालात ही कुछ और हैं, वाकई आदि कुछ और हैं। ओके बाय बाय गाइस।